मेरे हाथ में दुनिया की दी मोस्ट पावरफुल अंगूठी है। ये दी मोस्ट पावरफुल अंगूठी, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ? आज फिर जुमे का दिन है और सबसे पहले हम लोग जुमे की नमाज पढ़ेंगे। आज हमें जो है ना नमाज बाहर ही पढ़नी पड़ेगी। माशाल्लाह ये सब गाड़ियां जो है ना जुमे की नमाज के लिए लोग आए हुए, इसीलिए खड़ी हुई। नमाज के फौरन बाद जुमे के दिन एक जगह पे जाना बहुत जरूरी होता है इस प्यारी सी जिम में आने के लिए। जुमे के दिन जिम और व्लॉगिंग इसलिए की जाती है क्योंकि इस दिन मेरे पास ठीक ठाक टाइम होता है। पहली जो है ना मशीन वो ये वाली है, सीटेड साइकिलिंग, बैठ के साइकिल करें आप। जो दूसरी मशीन है वो टिपिकली आप देखते रहते होंगे, वो ये वाली है जिसपे आप भाग दौड़ कर सकते हैं अपनी स्पीड के मुताबिक। जो तीसरी मशीन है ना, ये बड़ी यूनिक किस्म की मशीन और लेकिन इफेक्टिव बहुत। ये वाली मशीन, ये ऐसा है जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जो इसमें चर्बी जलती है ना वो किसी और मशीन में नहीं जलती, ठाक सांस फूलता है। लेकिन मेरी फेवरेट जो मशीन है ना वो ये वाली है, बड़ी मजेदार मशीन है, एलिप्टिकल्स कहते हैं इसे, इट्स रियली एंजॉयबल। जुमे के दिन खासकर इसी मशीन के ऊपर मैं अपना कार्डियो करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, व्लॉग बनाने के चक्कर में अपना हेडफोन ही भूल गया। ये अपना हेडफोन, फ्यू मोमेंट्स लेटर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 कैलोरीज जलाई हैं और ये थी आज की हमारी कार्डियो। लेकिन आज हम लोग इस मशीन की भी एक्सरसाइज करेंगे, बड़ी जबरदस्त मशीन है ये भी। ये मशीन जो है ना आपके जो एब्स हैं उनको निखारती है। थ्री आफ्टर द एब्स। वेलकम टू द हाउस। आज हम लोग तैयार चुटकी मार के नहीं होंगे, क्लैप करके होंगे और इस तरह हम तैयार हो गए। ब्रंच में हमारे पास कुछ खास बना हुआ है। लंच में कुछ खास खाने से पहले मैं ये बताता चलूं कि ये एक ऐसी लीन मोड ड्रग या मेडिसिन है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है और काफी हद तक आपके फैट को बर्न करती है, यानी आपको मोटा नहीं होने देती। लेकिन ये है जी दुनिया के दी मोस्ट पावरफुल मेडिसिन, इसको हम अपनी जुबान में कलवंजी कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी है इसके बारे में तो जरूर कमेंट में बताना, मेरे इल्म में भी इजाफा होगा, जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके इल्म में भी इजाफा होगा। मैं यूजली एक इस तरह करके खा लेता हूँ या पानी में डाल के जो है ना मिक्स करके पानी पी लेता हूँ। ब्रंच में जी आज हमारे पास ये टोस्ट है और इसके अंदर बड़े मजेदार सी चीज सी डली हुई है और यहाँ पे हमारे पास एग है विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स और यहाँ पे हमारे पास ये कोई केक है, घर का बना हुआ केक। पहले तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। लेकिन जो यूनिक चीज है ना वो ये दिल नुमा हार्ट शेप्ड मजेदार अंडा विद वेजिटेबल्स। Delicious. और अगर कॉफी ना हो तो डे तो स्टार्ट ही नहीं होता। वीडियो तो अंगूठी के बारे में लेकिन हमारी गाड़ी ने फिर से मसला शुरू कर दिया। ये वाली जो बत्ती है ना दोबारा ऑन होगी अपनी गाड़ी। अब समझ नहीं आ रही इस टायर में क्या मसला है। लेकिन हम आज किसी एक और डॉक्टर के पास जाएंगे, टायर के डॉक्टर के पास। बिस्मिल्लाह। टेम्परेचर की अपडेट यह है कि इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और टाइम है 4:41। और आज जो है ना सूरज ठीक ठाक रोशनी मार रहा है। ओए सुभान अल्लाह। आज हम लोग जी इस शॉप के पास आए हैं, हो सकता है इनके पास इलाज मिल जाए अपने टायरों का। टायरों ना अपने एक टायर का, एक ही टायर मुसीबत कर रहा है। हेलो, आई हैव द प्रॉब्लम विद दिस टायर हियर ऑन दिस साइड। सामने भाई साहब है, वो कह रहे हैं कि गाड़ी लगाएं। ओ भाई साहब कह रहे हैं जी पिछले टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला जो टायर है इसके अंदर प्रॉब्लम है। आए, आए। क्या बात है यार, अच्छा टायर का डॉक्टर है। ओए होए, ये जी दिस वन। वाओ, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए। कील निकाल लिया लेकिन कह रहे हैं चले आपका जो पिछला टायर है उसको भी चेक कर लेते हैं। लग रहा है खड्डे में गिरना चाहे। अच्छा आदमी है यार, बड़ी हेल्प कर रहा है। अब हमारी गाड़ी ऊपर जा रही है, ये इतना ऊपर है, हम लोग गाड़ी को ऊपर किया हुआ है इस वक्त। कहीं से हवा तो नहीं आ रही, वो बबल्स होते हैं ना अगर कहीं पंचर तो बबल्स आ रहे होते हैं, उस तरह चेक कर रहे हैं। हमें जी बीमारी का इलाज पता चल गया, यहाँ पे ओल्ड पंचर है उसमें से हवा निकल रही है, देखे कैसे बबल्स बाहर आ रहे हैं। ये है जी तरीका चेक करने का कि टायर पंचर हुआ हुआ है कि नहीं हुआ। अभी हमारी गाड़ी ऊपर जा रही है। व्हाट इज दिस? चुपलिस। चुपलिस, ओके।
और इससे हमारी गाड़ी का टायर चेंज हो गया, लेकिन अभी उसके अंदर हवा डालेंगे ताकि 35 जो भी इनका प्रेशर गेज होता है उस पे ले जाएं। ये जो हवा है ना वो उधर जो पंप है उधर से आ रही है, इस लाइन से इधर से इधर से इधर से और यहाँ से ये अंदर हवा डाल, और इस मशीन के ऊपर लिखा होता है कि कितना इसके प्रेशर होता है, ये 35 PSI या PSL यानी कि 35 होना चाहिए। अमेजिंग, अच्छी मशीन है यार, लुक एट इट, जबरदस्त। बत्ती गई भी है कि नहीं गई? और बत्ती चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये लास्ट टाइम होगी। अब ये जितना भी प्रोसेस हुआ है ना पूरा, ये मैंने ट्राइपॉड की तरह रखा होता लेकिन गिर गया। खैर जितना भी अभी प्रोसेस हुआ ना इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रियाल देने पड़े, 10 रियाल में टायर का पंचर सही हुआ, यानी बत्ती को ख़त्म करने के लिए 10 रियाल देने पड़े। ये भी रंग है जिसके बारे में कह रहा था दी मोस्ट पावरफुल रिंग है, और जब मैं रीज़न बताऊंगा दी मोस्ट पावरफुल रिंग का तो आप हैरान हो जाए, लेकिन गुस्सा नहीं होना ठीक है। अलबत्त एक प्रॉब्लम है इससे, ये डिज़ाइन देख रहे हैं इसका, ये डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे, लेकिन ये जब मैं रिंग पहनता हूँ ना इस डिज़ाइन की वजह से मुझे यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि इस तरह पहनता हूँ ना ये और ये, इन दोनों उंगलियों पे दर्द करता है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि इस अंगूठी को छोटा करना है। हम पहुंच गए हैं जी बलद के एरिए में, ओल्डेस्ट एरिया ऑफ जद्दा, यहाँ से जो है ना हम अपनी अंगूठी को छोटा कराएंगे इंशाल्लाह। ये सामने जो है ना पुराने ज़माने का दरवाज़ा बना हुआ है, आई हैव नो आइडिया इसकी हिस्ट्री क्या है बट इट्स वेरी ओल्ड। वी जो है ना इनकी जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना उनको रिस्टोर कर रहे हैं, उनको संभाल के रखना चाह रहे हैं। जस्ट चेक द आर्ट वर्क ऑन दैट बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग बट लुक एट द आर्ट वर्क, जबरदस्त। हमें अपनी अंगूठी का हल निकालना है, अपने मेन काम से हटना नहीं चाहिए। ब्रो इसको चेक करें यार, लकड़ पर ये पुराने पत्थर, आई डोंट नो ये कितना पुराना है, मे बी मोर देन 100 ईयर। ये पुराना बाजार हुआ करता था, पुराना रास्ता हुआ करता था जिसपे हज्जाज वगैरह आया करते थे, जो भी स्ट्रक्चर है ना दुकानों का उसी टाइप का जिस तरह पुराने जमाने में हुआ करती थी। बलद की जो ब्यूटी है ना ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करी है जिस रीज़न की वजह से मैं आया हूँ। यार ये क्या चीज़ है, आई थिंक मेहंदी है इज़न्ट इट, मे बी मेहंदी है ग्रीन कलर की। अरे सोना ही सोना, ये पूरी जो दुकानें हैं ना सोने की, सीधे हाथ पे सोना उल्टे हाथ पे सोना। इस हार को तो चेक करें यार, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। यू नो सऊदी अरब का सबसे पुराना मसवाक बनाने वाले शख्स इधर बलद में होते हैं, ये मोहतरम है, और ये 1960 से जो है ना बलद में मसवाक बना रहे हैं, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैन, कैफ हालक, हादी अब्दुल वाहिद। ये कह रहे हैं कि ये वाला जो है ना मसवाक दी बेस्ट है, जब इतने एक्सपीरियंस वाले आदमी बता दें तो ऑफकोर्स दी बेस्ट ही होगा ना। अमेजिंग, खलास, जज़ाकल्लाह खैर। अभी ये मैं बना रहा हूँ मसवाक, मैंने मसवाक भी ख़रीद लिया दांतों के लिए, कैसा लग रहा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अंगूठी छोटी करनी थी, और इस अंगूठी को अपनी छोटी अंगूठी के मुताबिक लाने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में तो अंगूठी काट ली, ये इसलिए काट रहे हैं ताकि साइज का कंफर्म हो, साइज चेक कर। थोड़ी सी डील खुली है, सही, क्योंकि वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए ना, फिर निशान पड़ जाता है। सही सही, जो दूसरा स्टेप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है? ये पानी, नॉर्मल पानी है, तो ये जल्दी जल्दी चलता है, यानी जल्द पकड़ लेता है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं सुहागा, सुहागा, क्योंकि इसको नहीं लगाएंगे ना तो वही जम जाएगा। सही, और इससे जो है ना हमारी अंगूठी तैयार हो गई है, बिल्कुल ऐसी लग रहा है जैसे नई हो गई। अमेजिंग, वो जो कट लगाया था उसका तो पता ही नहीं चल रहा, माशाल्लाह सही सफाई का काम किया। अब इसके बाद हम आप लोगों को अपने ऑफिस में मिलेंगे और इस अंगूठी के बारे में बताएंगे। सी यू इन द ऑफिस, वेलकम टू अल जदीद ऑफिस। इस मिनी देग में है जद्दा की दी बेस्ट टेस्टफुल निहारी इन अ मिनी देग, लेकिन देग कितनी क्यूट है। खैर इसके बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल इस अंगूठी के बारे में। ये दी मोस्ट पावरफुल अंगूठी क्यों है? क्योंकि ये सिल्वर की है, हार्ड है, टूटती नहीं है, थोड़े से क्रिस्टल्स हैं, और ये रीजन है इसका दी मोस्ट पावरफुल होने का, सिर्फ यही मकसद है कि ये सिल्वर की है। बाकी रिंग्स या
ऐसी वैसी जो चीज़ें इंसान का है कि भाई इनसे कुछ हो जाता है या इनसे कोई फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में। एवरीथिंग हैपन्स जो अल्लाह चाहते हैं एंड दैट्स इट। बाकी इसका जो नक्श है ना उस पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इट्स नथिंग। मुझे इसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट्स इट। बार बार जूम इन जूम आउट या रिवाइंड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। एनीहाउ, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह निहारी के ऊपर बात करेंगे और मेरी नई बुक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे इन कमिंग वीडियोस। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।